बीते दो दिन से छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के बयान से सियासी गलियारे में एक तरह से आग लगी है। पहले महंत ने अपनी ही पार्टी की हार के लिए खुद को, पूर्व सीएम को, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर्स को जिम्मेदार बताया, पार्टी के भीतर हलचल बढ़ा दी। तो अब डॉक्टर महंत ने पूर्व सीएम भूपेश के पक्ष में बोलते बोलते प्रधानमंत्री पर कुछ टिप्पणी कर दी। बिल्कुल, और ये टिप्पणी ऐसी कि जिसके खिलाफ बीजेपी अब चौतरफा विरोध कर रही है और एक तरह से मोर्चा खोल चुकी है महंत के खिलाफ, कार्रवाई की मांग हो रही है। हालांकि डॉक्टर महंत अपने बयान पर सफाई दे चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या पिछले दो दिन से उनकी बयानबाजी ने पार्टी को यानी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है? ये सारे बयान रणनीति के तहत हैं या फिर सेल्फ गोल की श्रेणी में आते हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। एक संरक्षक चाहिए अच्छा लाठी धर के बांधने वाला, नरेंद्र मोदी के मूड फरोही आदमी चाहिए। चुनावी माहौल में छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के बयान ने बवाल मचा दिया है। बीते दिनों पूर्व सीएम और राजनांदगांव लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल की नामांकन सभा के मंच पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर महंत भूपेश बघेल को सपोर्ट करते करते उनकी तारीफ में कुछ ऐसा कह गए जिस पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति की है। महंत के मोदी को डंडा मारने वाले बयान पर बीजेपी पूरी ताकत से हमलावर हो गई। सीएम समेत प्रदेश बीजेपी नेताओं ने महंत के बयान की तीखी निंदा करते हुए एक अभियान शुरू किया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एक पोस्टर लॉन्च किया, मैं हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो। इसे लेकर बीजेपी नेताओं ने रायपुर में महंत के सरकारी बंगले तक मार्च निकाला, घेराव किया और पहली लाठी उन्हें मारने का आह्वान किया। दूसरी तरफ भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर महंत के बयान की शिकायत की। बीजेपी महामंत्री संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पर बैठे व्यक्ति ने गरिमा के विपरीत देश के प्रधानमंत्री के बारे में हेट स्पीच दी, जो कि राजद्रोह जैसा गंभीर अपराध है। बीजेपी ने आयोग से महंत पर एफआईआर दर्ज करने और कांग्रेस प्रत्याशियों भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है। इसके हम भर्त्सना करते हैं तो मैं कहता हूं कि मैं भी मोदी का परिवार हूं और पहला डंडा मुझे मारे। मैं भी हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो। चरणदास महंत जी ने जिस तरीके से बयानबाजी की है उसकी घोर निंदा करता हूं। न सिर्फ निंदा करता हूं, यह भी कहता हूं कि उनको सचेत रहना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का अपमान इन्होंने किया है, छत्तीसगढ़ की जनता जवाब देगी। कांग्रेस की सभा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए जिस तरीके से एक षड्यंत्र और भड़काने का जो प्रयास जो किया है, इससे बीजेपी का ये मानना है कि यहाँ पर एक वातावरण खराब हो सकता है और वातावरण खराब करके वो राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर चौतरफा निंदा, विरोध और शिकायतों के बाद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। कांग्रेस का कहना है कि डॉक्टर महंत ने छत्तीसगढ़ी में भाषण दिया और बीजेपी को छत्तीसगढ़िया शब्दों से नफरत है। छत्तीसगढ़ी में हाना के माध्यम से और छत्तीसगढ़ी में मुहावरा के माध्यम से जिस तरह से छत्तीसगढ़िया भाइयों से बात की जाती है, मैंने कहा है, और उसको ये लोग जिस ढंग से व्यक्त कर रहे हैं मुझे खुद ही आश्चर्य हो रहा है। अब इसे क्या कहा जाए, एक बार फिर सीनियर कांग्रेसी नेता का सेल्फ कॉल या रणनीति के हिसाब से दिया गया बयान? बीते 48 घंटों में महंत जिंदल ने पूरे रायगढ़ को लूटा, ऐसे लोगों को जूते मारना चाहिए, झूठ बोलकर रामचंद्र को भी नहीं बख्शा, इस तरह के बयानों से प्रदेश की सियासत में तपिश बढ़ा रहे हैं। लेकिन पीएम को लाठी मारने वाले बयान पर मचे बवाल से क्या पार्टी को बड़ा डैमेज होगा? मूल सवाल, क्या छत्तीसगढ़ की जनता को ये बात रास आएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। हालांकि खबर और अपडेट अब इसमें यही मिल रहा है कि डॉक्टर महंत ने यह भी कह दिया है कि अगर उनके इस बयान से किसी को भी कोई ठेस पहुंची हो तो उनको खेद है। हालांकि इसके पहले आपने देखा होगा डिबेट में कांग्रेस पार्टी कहती है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि उनके बयान को तोड़ मरोड़कर बीजेपी अपने लिए सियासी स्कोप तलाश रही है ताकि असल मुद्दों पर बात ना हो। बिल्कुल, और इन सब के बीच चूंकि हमने इस रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया सेल्फ गोल की बात की, चुनाव से पहले अक्सर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं और उसके बाद पूरा चुनाव का जो दिशा है वो बदल जाती है, चाहे वो देश के चुनाव हो। इससे पहले हम गुजरात के चुनाव में भी देख चुके हैं जहां नीच वाले बयान ने किस तरह से
पूरा पासा पलट दिया था। तो इस तरह के सेल्फ गोल कांग्रेस पार्टी को बड़े भारी पड़ते हैं। और अभियान नीतीश इसमें दिखाई पड़ा, देखिए पहले ही मैं हूं मोदी का परिवार था, अब इसमें जुड़ गया मैं हूं मोदी का परिवार, पहला डंडा मुझे दीजिए, बिल्कुल मतलब आपने एक और अभियान दे दिया है। तो क्या ये सेल्फ गोल की कैटेगरी में नहीं है? क्या इससे पार्टी को, स्वयं को और कैंडिडेट्स को नुकसान नहीं है? इसी पर हमने आज डिबेट भी की, जरूर आप इसे देखिए।